नमस्कार मित्रों, cardclues.com में आपका स्वागत है और मैं मिस्टर कुमार। आज एक नया जो नोकिया लॉन्च करने वाला नया फोन जिसका नाम है नोकिया फोल्डेबल स्मार्टफोन, तो ये लॉन्च होने वाला है इंडिया में, तो इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा और कब लॉन्च होगा और क्या कॉस्ट होगा वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो मित्रों चलते हैं, देखते हैं यह फोन की खासियत कि क्या है इसमें। तो मित्रों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, जिससे कि जैसे ही नोकिया फोन मार्केट में लॉन्च होगा आपको अपडेट ऑटोमेटिक मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ टॉपिक पे। नोकिया को फोल्डेबल डिवाइस का पेटेंट मिल गया है, इसका मतलब कि नोकिया इस साल फ्लेक्सिबल डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। नोकिया को US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस की तरफ से पिछले साल सितंबर में ही फोल्ड होने वाला डिवाइस को पेटेंट दे दिया गया था। कंपनी ने दिसंबर 2013 में इसके लिए आवेदन दिया था, लेकिन फोन एरिना के पेटेंट के कागजात अब सार्वजनिक किए जा चुके हैं। जी मित्रों क्या हो सकता है फ्यूचर इस फोन में, तो मैं बता दूं कि इसमें एक छोटा सा पैकेट मिरर जैसा डिवाइस नजर आता है जो बीच से मुड़ सकता है। डिवाइस के बीच के दोनों तरफ एक जैसे हिस्से हैं जिन्हें मिलाकर बड़ा डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन बनाया जा सकता है। जी हाँ मित्रों, नोकिया के तरफ से फोल्डेबल स्मार्टफोन पेश किए जाने के दावे को बल एक दूसरे पेटेंट से मिलता है, जिसमें कंपनी ने एक मुड़ने वाली बैटरी के लिए आवेदन दिया था। दरअसल नोकिया ने एक बार फिर स्मार्टफोन बिजनेस में वापसी किया और इस ब्रांड के स्मार्टफोन अब फिनलैंड की कंपनी HMD ग्लोबल बना रहा है। जी हाँ मित्रों, तो नोकिया का क्रेज फिर से आने वाला है। कंपनी अगले महीने होने वाले मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में भी नया स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। जी हाँ, एक और नया फोन लॉन्च करेगी, तो आप मेरा चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए कि अगर जैसी नोकिया लॉन्च करेगी फोन मैं आपको ऑटोमेटिक अपडेट आप तक पहुंच जाए। जी हाँ मित्रों, वहीं सैमसंग इस साल की तीसरी तिमाही में फ्लेक्सिबल डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है और LG भी ऐसा ही प्रोडक्ट चौथी तिमाही में पेश कर सकता। जी हाँ मित्रों, तो यह आपका न्यूज कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज प्लीज मेरा चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे आशा आप लोगों से रहती है कि आप देखते ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको ऑटोमेटिक मेरा अपडेट मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग cardclues.com यूट्यूब चैनल। हैव ए फन।